अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे लिसनर्स, कहानी शुरू करने से पहले मेरे फेसबुक के ग्रुप लुबाबा हैदर ऑफिशियल और मेरे फेसबुक पेज लुबाबा हैदर को ज्वाइन करें। मेरे पेज और ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है, मैं आपका वहाँ इंतज़ार कर रही हूँ। शुक्रिया। मेरा सफ़र चौगोट की तरफ जारी था। मैं लम्हा बलम्हा लाहौर से दूर होता जा रहा था और मेरी आँखों की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही थी। मेरा दिल खून के आंसू रोता था, बदनसीबी अभी तक मेरे ताकुब में थी। जब मैं चौगोट पहुंचा तो ये देखकर हैरान रह गया कि उधर ढिल्लो साहब की हवेली के बाहर जश्न कसा समा बंधा था। वहां शामियाने लगे थे जिनके नीचे यहां से वहां तक कुर्सियां बिछी थी। दाएं हाथ खुली जगह पर 15-16 देगे आग पर रखी थी और इलाके के देहाती जौक दर जौक वहां पहुंच रहे थे। ढिल्लो साहब के कारिंदे बहुत मसरूफ थे। बरकत ने मुझे दूर से आते देखा तो सीधा मेरी तरफ लपका। जी आया नू हाशिम साहब, क्या हाल है बीबी का? अच्छा है, इलाज भी हो रहा, पहले से वो बहुत बेहतर है। चलो शुक्र है, इधर तो आज लंबी देगे चढ़ी हैं, वोटिंग होने वाली है ना? अच्छा, वोटरों को फांसने का जाल बिछाया है? ढिल्लो साहब कहाँ हैं? वो तो घोड़ी लेकर बाहर निकले, मेरा ख्याल है अभी आ जाएंगे। चौधरी आरिफ भी उनके साथ है, वो सलावाली का मालिक। अच्छा चल मुझे बिठा दे कहीं, मैं ढिल्लो साहब से बात करूँगा। इधर आ जाए जी, सब कुर्सियाँ आपके लिए हैं। ये कहकर उसने मुझे शामियाने के नीचे कोने में बिठा दिया। कुछ ही देर बाद उसने एक मुलाजिम के हाथ मेरे लिए चाय बिस्किट भेज दी। मैं तन्हा बैठा सिगरेट फूंकने लगा। मेरी नज़रें उन मेहमानों का जायज़ा ले रही थी। इर्द गिर्द के देहात से 250-300 आदमी अब तक वहाँ पहुँच चुके थे। मालूम ये होता था कि उधर तकरीरें भी होंगी, क्योंकि शामियाने के हिस्से में ऊँचा सा डायस भी तैयार किया गया था। मेरी नज़रें बराबर गिर्दोपेश का जायज़ा ले रही थी। मेरे बाएं तरफ कुर्सियों की लंबी कतार में बैठे मेहमान खुशगप्पियों में मसरूफ थे। वो सब के सब अपने हुक्के साथ लेकर आए थे। उनमें चंद एक ऐसे भी थे जो सस्ते किस्म के लैम्प तार के सिगरेट फूंक रहे थे। अचानक मेरी निगाह चेहरे पर जम के रह गई। 30-35 साल का वो एक कड़ियल जवान था। सांवला रंग, घने बाल, आंखें किसी एक नुक्ते पर ठहरी हुई, दाढ़ी मूछ सफा चौड़, वो स्याह रंग की लोई ओढ़े था। उसे देखते ही मेरा जहन कलाबाजी खा गया। उसे मैं अच्छी तरह जानता था, वो जेल में मेरे साथ ही था। उसका नाम शौकत था और किसी पुलिस अफसर की मेहरबानी के बिना पर वो 6 महीने के लिए बंद कर दिया गया था। यूं जैसे किसी आवारा जानवर को यार लोग फाटक में बंद कर देते हैं ताकि वो दूसरे के खेत में मुंह ना मार सके। वो बला का हाथ छोटा आदमी था, उसकी 2-3 झड़पें मैं अपनी आंखों से देख चुका था। वो मुझे नहीं जानता था क्योंकि मेरी उससे बराह रास्त कोई बात नहीं हुई थी, मगर मैंने उसके किस्से बहुत सुन रखे थे। किसी ने मुझे बताया था कि चंद साल पहले गुजरांवाला शहर में जो डाका पड़ा था वो इसमें शामिल था, मगर पुलिस अफसर ने उसे बचाने के लिए डाके की रात उसे हवालात में बंद जाहिर करके उसे बचा लिया था। फिर अपनी कार्रवाई को मजीद मुस्तहकम करने के लिए उसने शौकत को 6 माह के लिए जेल भिजवा दिया था ताकि कोई उस पर लंबा हाथ ना डाल सके। उस राजदा ने मुझे ये भी बताया कि उस पुलिस अफसर की शौकत ने बहुत खिदमत की थी, उसे लाखों रुपये का फ़ायदा वो पहुँचा चुका था। मालूम यह होता था कि शौकत वहाँ तन्हा आया है, क्योंकि उसके इर्द गिर्द जो आदमी बैठे थे वो उनसे बिल्कुल नाताल्लुक था। उसे देखकर मेरे दिल में तरह तरह के खदशात सर उभारने लगे। मैं कितनी देर तक उसका गहरी नज़रों से जायज़ा लेता रहा, मगर मैं अपने किसी भी शुबे के लिए कोई ठोस जवाब तलाश ना कर सका। आधा घंटा गुजर गया। ढिल्लो साहब के एक मुलाजिम ने फिल्मी गानों की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, जिससे गिर्दोपेश में ज़िंदगी की लहर दौड़ने लगी। गीत बेहंगम से थे, फिर भी वो देहाती उन गीतों को सुनकर चहकने लगे। कुछ ही देर बाद ढिल्लो साहब 2 खुशपोश आदमियों के हमरा वहाँ आन पहुँचे। बरकत ने आगे बढ़कर शायद उन्हें मेरी आमद की इत्तला दे दी थी। उन्होंने मेरी तरफ देखकर उसे करीब खींचकर उसके कान में कोई बात की, जिसे सुनकर बरकत देखों के ऊपर से घूमकर कुछ ही देर बाद मेरे पास आन पहुँचा और अपना मुंह मेरे कान के करीब लाकर बोला, ढिल्लो साहब को मैंने आपके बारे में बता दिया है, वो जलसा खत्म होने के बाद आपसे बात करेंगे। ये कहकर वो उसी वक्त पीछे लौट गए। थोड़ी देर बाद इलाके के मौजज़ीन भी वहाँ पहुँच गए। वो सब उस जलसे को कामयाब बनाने के लिए वहाँ आए थे, क्योंकि इलेक्शन के दिन बहुत करीब थे। ठीक 11 बजे जलसे की कार्रवाई शुरू हुई। तब मैंने महसूस किया कि जब एक बादामी रंग की जीप दूसरी गाड़ियों के करीब आकर रुकी तो शौकत ने बड़ी बेचैनी से पहलू बदला और वो अपनी कुर्सी से उठकर शामियाने की दीवार के साथ साथ उस जीप के पास जा पहुंचा। जीप के तमाम पर्दे गिरे हुए थे। उससे थोड़ी ही देर पहले पुलिस की गाड़ी शामियाने के दूसरी तरफ आ लगी थी। उसमें से पुलिस के 8 सिपाही और 2 थानेदार उतरकर बड़ी खामोशी से इधर उधर फैलकर बैठ गए थे। उन्हें ढिल्लो साहब ने किसी मुमकिन फसाद के फरोग करने के लिए पतौकी थाने से बुलाया था। कुछ देर तक जीप के पास रुकने के बाद शौकत पिछला दरवाज़ा खोलकर जीप के अंदर बैठ गया।
उसकी हरकतों से अकनात मुझे बहुत ही पुरस्रार नजर आ रही थी। जीप उन्होंने शामियाने के खुले हिस्से के सामने ऐसी जगह खड़ी की थी कि वहां से डाइस का तमाम मंजर साफ दिखाई देता था। तीन आदमी पार्टी के हक में धुआंधार तकरीरें करने और लोगों को अपने कीमती वोट इलाके के सबसे बड़े चौधरी और अजीम रहनुमा मुख्तार ढिल्लो साहब को देने की सिफारिश करके डाइस से उतर गए। हर तरफ मुकम्मल खामोशी तारी थी। जलसे का माहौल बड़ा पुरअमन था, मगर शौकत की वहां मौजूदगी मुझे बुरी तरह खल रही थी। पुलिस के तमाम आदमी बिल्कुल बेफिक्र थे और बाज़ाहिर उनको किसी तरद्दुद की जरूरत भी ना थी। मैं अपनी जगह से उठकर शामियाने की दीवार के साथ चलता हुआ एक ऐसी जगह जा ठहरा जहां से मैं उस जीप को ज्यादा करीब से देख सकता था। मुझे महसूस हो रहा था कि जीप में ड्राइवर और शौकत के अलावा भी कुछ लोग मौजूद हैं, मगर उसकी इल्लत और गायत मुझे समझ में नहीं आ रही थी। वो जलसे में शिरकत करने के लिए आए थे तो बाहर निकलकर शामियाने के अंदर बैठते, मगर वो जीप के तमाम पर्दे गिराकर वहां चुपचाप बैठे थे। तीन मुकर्रर लोगों से खिताब करने के बाद अलग होकर बैठे तो ढिल्लो साहब तकरीर करने के लिए स्टेज पर जा पहुंचे। एन उसी वक्त जीप के ड्राइवर ने इंजन स्टार्ट कर दिया, मगर उसकी घर घर ढिल्लो साहब की लाउडस्पीकर पर गूंजती आवाज़ में दब के रह गई। मेरी नज़रें बराबर उस जीप पर जमी हुई थी। ढिल्लो साहब के दाएं हाथ उनका स्टेज सेक्रेटरी आशिक अली खड़ा था, उससे ज़रा उधर बरकत का साथी गनमैन शफी मौजूद था। वो सब लोग ढिल्लो साहब की हिफाजत के लिए हमा वक्त चौकस रहते थे। डाइस से हटकर बरकत भी अपनी बंदूक संभाले चाको चौबंद खड़ा था। पुलिस की जीप जलसा से काफ़ी दूर खड़ी थी। ढिल्लो साहब की धुआंधार तकरीर ने हर तरफ सन्नाटा तारी कर दिया था। उस रोज़ पहली बार मुझे मालूम हुआ कि वो लफ्ज़ों से खेलना जानते हैं। उनका लबो लहजा बहुत ही जानदार था। लोग बड़ी महगियत से उनकी तकरीर सुन रहे थे, मगर मेरे दिल में खुदबुद हो रही थी। उस जीप में शौकत का सवार होना मेरे लिए किसी अचंभे से कम नहीं था। वो बहुत ही गंदी जहनियत का आदमी था। जेल में उसने अपने बेशुमार साथियों को परेशान कर रखा था। अपने मतलब के उसूल के लिए वह हैवानी सतह पर उतर आता था। वो बहुत ही शातिर और अय्यार आदमी था, बदतरीन कस्म का फरेबकार और झूठा। जेल में मेरे एक साथी फिरोज के हाथों वो पिट भी चुका था। मेरा अंदाज़ा ये था कि वो मुझे देखने के बावजूद पहचान नहीं सका है, मगर हकीकत ये थी कि उसने मुझे गौर से देखा ही नहीं था। अब वो बड़े पुरस्कार तरीके से जीप में बैठा था जिसका इंजन ड्राइवर ने चला रखा था। शौकत को उस जीप में बैठे चंद ही लम्हे गुजरे थे कि जीप ज़रा सी सरक कर आगे बढ़ गई। अब वो एक ऐसे रुख पर थी कि डाइस बिल्कुल उसके सामने था। सब लोग अपनी अपनी जगहों पर चुपचाप बैठे थे। सिपाही उस वक्त जलसागा के पिछले हिस्से में खड़े लोगों को दरी पर बैठ जाने के लिए कह रहे थे। अचानक जलसागा में बैठे लोगों के दाएं हाथ छुलदारी के एन पर्दे के करीब पटाखों की आवाज़ गूंजी। एक लहजे के लिए मेरी निगाह उधर फिरी और उसके साथ ही वहां कई लोग अपनी जगह से उठकर शोर मचाने लगे। पुलिस के तीन सिपाही तेजी से उधर बढ़े और एन उसी वक्त मुझे गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने पलटकर उस जीप पर निगाह डाली जिस पर शौकत सवार हुआ था, तो मेरा दिमाग उलट गया। जीप के पर्दे में से एक नाल मौत उगल रही थी। उसका रुख डाइस की तरफ था। मैंने स्टैंड गन सीधी की और उस पर्दे को आनंद फानंद में छलनी कर दिया। अभी मैंने चार गोलियां ही चलाई थी कि जीप बर्क रफ्तारी से आगे बढ़ी। मैं पागलों की तरह उसके पीछे लपका, मगर वो ड्राइवर लोगों की भीड़ को काटता हुआ निकलता चला गया। मैंने जीप के टायर को ताक कर फिर एक गोली चलाई, मगर वो कारगर ना हुई। मैंने इधर उधर नजरें दौड़ाई, करीब ही पुलिस की जीप खड़ी थी। अंधाधुंध भागता हुआ मैं उसमें जा बैठा। पुलिस के सिपाही जलसा का के डाइस की तरफ दौड़ रहे थे। जीप की चाबी इग्निशन में ही थी। मैंने उसको स्टार्ट किया और हवा चाक रफ्तार से चलाता हुआ मैं उस जीप के पीछे लपका जिसमें शौकत सवार था। वो उस वक्त तक खासा आगे निकल चुका था, मगर मैंने उसे मोहलत नहीं दी। जीप को मैं पूरी रफ्तार से आगे बढ़ाकर फासला कम करता गया। फिर जो ही वो कच्ची सड़क का मोड़ काटने लगे, मैंने चलती जीप में से स्टैंड गन सीधी करके ड्राइवर पर गोली चला दी। वो निशाने पर बैठी और ड्राइवर स्टेयरिंग व्हील पर काबू ना रख सका। गोली उसकी गर्दन में लगी थी। जीप ने कलाबाजी खाई और लुढ़क कर एक दरख्त में जा लगी। उससे कुछ फासले पर अपनी जीप रोककर मैं उतरा और गन सीधे हाथ में थामकर उनकी तरफ दौड़ा। जीप के पिछले हिस्से में तीन आदमी औंधे पड़े थे। शौकत के माथे पर गोली लगी थी और वो जिंदगी के अजाब से छूट चुका था। दूसरे दो आदमी जख्मी थे। उन पर एक नज़र डालकर मैं ड्राइवर की तरफ बढ़ा। वो भी जान हार चुका था। जीप के अंदर हर जगह खून ही खून था। मैं अभी उन्हें देख ही रहा था कि पुलिस के सिपाही और ढिल्लो साहब के चार गनमैन बहुत से लोगों के आगे आगे भागते हुए मेरे करीब आन पहुंचे। आते ही बरकत ने मुझे खींचकर अपने करीब कर लिया और दबे लहजे में बोला, हाशिम साहब आप उधर चले जाएं, ढिल्लो साहब बच गए हैं, आप फौरन उधर चले जाएं, ये उनका हुक्म है। उसकी ये बात सुनते ही मैं लोगों की भीड़ को चीरता हुआ जलसेगाह की तरफ दौड़ा। ढिल्लो साहब उस वक्त स्टेट सेक्रेटरी आशिक अली पर झुके हुए थे। वो बेचारा जिंदगी हार चुका था। दाएं हाथ दो और आदमी भी शदीद जख्मी पड़े थे। उनकी कराहें सुनी नहीं जाती थी। ये क्या हो गया ढिल्लो साहब, ये कौन साहब हैं?
मेरी ये बात सुनते ही ढिल्लो साहब उछलकर सीधे हो गए और मुझसे लिपट गए। ओ हाशिम साहब, आपने आज हमारी जिंदगी बचा ली, मैं किस मुंह साहब का शुक्रिया अदा करूं? ये तो मेरा फर्ज था जनाब, मुझे अफसोस है कि मैं इन लोगों को ना बचा सका। उनका निशाना ये नहीं मैं था, उनकी अगली गोली शायद मुझे ही लगती। वो तशक्कुर से लबरेज लहजे में बोले, फिर अचानक फास्ते पर खड़ी दोनों जीपों को देखकर बोले, आप अंदर चले जाएं। ओए दाऊद, इन्हें मेहमान खाने में पहुंचा दे फौरन, और किसी को उनके पास फटकने ना दे। आप जाएं जी, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। दाऊद भी उनका गनमैन था, वो मुझे उसी वक्त अपने साथ लेकर हवेली में जा घुसा, और फिर कुछ ही देर बाद मैं उसी कमरे में जा बैठा जहां उन लोगों ने मुझे पहले दिन ठहराया था। आपने तो कमाल कर दिया साहब जी, अगर आप ना होते तो आज चौधरी साहब जिंदा ना बचते। कौन लोग थे वो, तुम जानते हो उन्हें? पता नहीं जी, मैंने उनकी शक्लें भी नहीं देखी। ढिल्लो साहब के कोई मेहरबान ही होंगे। बिल्कुल जी, वो उन्हीं के दुश्मन थे, अभी पता चल जाएगा, ढिल्लो साहब उनको माफ थोड़ी करेंगे। वो तो शायद मर चुके हैं, मैंने उन्हें भून डाला है, एक भी सही सालिम नहीं है। कितने आदमी थे वो? चार। सब मर गए? नहीं, दो मरे हैं, दो शदीद जख्मी हैं। पर दाऊद, ये किस्सा मेरी समझ में नहीं आया। ओ जी, लानत भेजो उस किस्से पर, यह सियासत होती ऐसी चीज है, ये पार्टीबाजी तो बहुत बड़ी लानत है। तेरा क्या ख्याल है, ये आदमी किसने भेजे होंगे? ओ जी, मैंने कहा ना कि ढिल्लो साहब के किसी दुश्मन का ही काम होगा ये, कुत्ते बिल्लियां थोड़ी मौजूद है यहाँ। वो मेंबर ही मांगते हैं, जिनको मां ना पहचाने वो लीडर बन जाता है। वोट कोई खंभों को थोड़ी मिल सकते हैं ना जी, कोई आदमी हो, कोई तगड़ी पगड़ी वाला बंदा हो, कोई रोबदाब हो, कोई दौलत हो, तो आदमी मेंबरी के लिए खड़ा भी हो। अब चूहे भी कहें कि हमें लीडर मानो, तो ये बात कहाँ चल सकती है। दाऊद फलसफा भगा रहा था। यार तू जा मेरे लिए चाय ले आ, मैं बहुत थक गया हूँ, ये चक्कर भी देखना था मुझे। अच्छा साहब जी, चाय मैं अभी ला देता हूँ आपको, आप इधर ही बैठे और बाहर मत निकले, वो अली जैबी पहरे पर आ बैठा है। ये कहकर दाऊद कमरे से बाहर निकल गया। अलीजई वाकई मेहमान खाने के सहन की चार दीवारी के छोटे से दरवाजे पर आन ठहरा था, उसे किसी ने खास तौर पर वहां भेज दिया था, और मैं ये तस्लीम नहीं कर सकता कि उसे ढिल्लो साहब ने इस अफरा तफरी में मेरी नाकाबंदी के लिए वहां खड़ा किया था। दाऊद बाहर निकला तो मैंने अपनी स्टैंड गन का चैम्बर खोलकर साफ किया, और फिर उसमें ठोसा ठोस गोलियां भर के उसे बिस्तर पर पड़े गद्दे के नीचे रख दिया। दाऊद चाय भी ले आया, वो मैंने पी भी ली, मगर ढिल्लो साहब वापस नहीं आए। अली जई बड़ी मायने खेज नजरों से मुझे देख रहा था। जब दाऊद चाय के बर्तन उठाकर वापस गया तो अली जई मेरे कमरे में आ गया। सलाम हाशिम साहब, क्या हाल है खान? बिल्कुल तगड़ा है हम। हाशिम साहब जरा संभल कर बैठो, वो शायद पुलिस वाला इधर को आ रहा है। पुलिस वाला? कौन है उनके साथ? वो उधर सामने वाली ड्योड़ी के पास कड़ा है तानेदार, और सिपाही भी। जरा चौकस होकर बैठो। ये कहकर वो उसी वक्त बाहर निकल गया। उसने ठीक ही कहा था, पुलिस के दो सिपाही और एक थानेदार कुछ ही देर बाद वहां आ गए। ढिल्लो साहब उनके साथ थे। मैंने उन लोगों को पहली बार गौर से देखा, उनमें एक सिपाही रुस्तम खान भी मौजूद था। उसे मैंने कचहरियों में पेशी के दौरान कई बार देखा था, एक दफा वो मुझे जेल से मजिस्ट्रेट के पास भी लेकर गया था। वो जमाने में सिपाही था और अब हेड कांस्टेबल बन चुका था। वो सब एक साथ कमरे में दाखिल हुए तो मैं कुर्सी से उठ के खड़ा हो गया। जमील साहब, ये है मेरे मोहसिन हाशिम खान, देख लेने, ये मेरे मेहमान हैं, मैं इन्हें किसी मुसीबत में नहीं फंसाना चाहता। जमील उस थानेदार का नाम था जो ढिल्लो साहब को मजबूर करके मुझ तक आन पहुंचा था। उसकी छोटी छोटी करंजी रंग की आंखें सफाकी और अयारी की मजहर थी। उसने बड़ी गर्मजोशी से मुझसे हाथ मिलाया तो उसके पंजे की गिरफ्त ने मुझे चौंका दिया। उसकी हथेली सख्त और खुरदुरी थी। इनसे मिलना तो बहुत ज़रूरी था ढिल्लो साहब, मैं समझता हूँ इन्होंने बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया है, मगर उधर दो आदमी मर गए हैं और दो शदीद जख्मी हैं। मेरा भी तो एक आदमी मर गया आशिक अली, और दो शदीद जख्मी हैं। मालूम है मुझे, पर यह मेरा फ़र्ज है कि इस फसाद के सारे हिस्से को सामने रखूँ। ये कहकर जमील अहमद एक कुर्सी पर बैठ गया। आप कहना क्या चाहते हैं जमील साहब? आपकी परेशानियां मेरी समझ में नहीं आ रही, हाशिम साहब पर कोई हर्फ नहीं आएगा। ये मेरे गनमैन नहीं, मेहमान है मेरे। मैं समझता हूँ जी, मगर मुकदमे में इनका नाम तो ज़रूर आएगा। मैं समझता हूँ कि जुर्म उन लोगों ने किया, हमला उन्होंने किया, मगर आपको बचाने वाले और उनके दो आदमी मारने वाले का नाम हम मुकदमे से कैसे निकाल सकते हैं?
सिपाही रुस्तम खान मुझे गहरी गहरी नज़रों से देख रहा था और मुझे एहसास हो रहा था कि वो मुझे बड़ी हद तक पहचान चुका है, मगर वो अभी तक कुछ नहीं बोला था। मैंने उमदन मुंह न खोला, उनके सामने चुपचाप बैठा रहा, क्योंकि मेरी आवाज़ सुनकर रुस्तम खान का यकीन और ज़्यादा पुख्ता हो जाता और वो मुझे पूरी तरह शनाख्त कर लेता। अपनी शनाख्त को उससे बचाने के लिए मैं खामोश रहा। ढिल्लो साहब सख्त मुतजब्जब थे। मैं कहता हूँ उन लोगों पर गोली मेरे गनमैन शफी ने चलाई थी, 10 आदमी गवाही देंगे कि मैं सच बोल रहा हूँ, फिर क्या करेंगे आप? जमील अहमद उनकी ये बात सुनकर बड़ी अय्यारी से मुस्कुरा दिया। इसे बच्चों का खेल ना समझें, बड़ी खौफनाक बात है ये, आप कानून के साथ कबड्डी नहीं खेल सकते। ढिल्लो साहब ने उसकी ये बात सुनी तो जेब से सिगरेट निकाल कर बोले, मैं अपने इस मेहमान को किसी चक्कर में नहीं पड़ने दूंगा, कतन नहीं। आप समझने की कोशिश करें, बस ये सारा किस्सा आप शफी गनमैन के खाते में डाल दें। ये नहीं हो सकता ढिल्लो साहब, मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है और जब इन पर कोई हर्फ नहीं आ सकता तो आप इतने परेशान क्यों हैं? वो मैंने कहा ना, ये मेहमान है मेरे, अपनी जान पर खेलकर इन्होंने मेरी जान बचाई है, मैंने कैसे थाने कचहरी के चक्कर में डाल दूं? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अचानक रुस्तम खान ने झुककर जमील अहमद के कान में कुछ कहा। जमील एकदम संभल कर बैठ गया, उसकी नजरों में औकाबी चमक उभर आई। उसने अपना दाया हाथ में पिस्तौल थाम रखा था और रुस्तम खान अब फिर तनकर खड़ा हो गया था। अपनी राइफल उसने कुछ इस अंदाज से पकड़ ली थी कि वो उसे एक साने के हजारवें लम्हे में मुझ पर तान सकता था। ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल थी। ढिल्लो साहब की सारी पेशबंदियां रायगा जा रही थी। मेरी शनाख्त को छुपा लेने के लिए वो जितने भी हरबे बरेकार ला सकते थे ला चुके थे, मगर अब तक उन्हें मुसलसल नाकामी का मुंह देखना पड़ रहा था। आपका नाम क्या है जनाब? जमील अहमद ने बड़ी ही अपनाइयत भरे लहजे में मुझसे मुखातिब होकर कहा। वो यूं मेरी आंखों में झांक रहा था जैसे वो मेरे दरों बरों को खंगाल कर रख देगा। इनका नाम हाशिम खान है, ये झंग से आए हैं, ढिल्लो साहब ने तेजी से कहा। यह गालिबन उनकी जिंदगी का पहला मौका था कि वो एक छोटे से पुलिस अहलकार के सामने अपनी तमाम तर शान शौकत और रोब दबदबे के बावजूद बेबस होकर रह गए थे। इन्हें बात करने देना, मैं इनसे मुखातिब हूँ। ढिल्लो साहब एकदम ताव खा गए और कुर्सी पर से उठकर बोले, बराए करम आप यहां से चले जाएं, मैं अपने मेहमान की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। उनकी ये बात सुनते ही जमील अहमद का चेहरा सुर्ख हो गया। वो नई नस्ल का नुमाइंदा, कोई बहुत ही सरफिरा और रास्त पास पसंद का थानेदार था। ढिल्लो साहब से वो जरा बराबर भी मुतासर ना हुआ। आप मुझे धोस नहीं दे सकते ढिल्लो साहब, मैंने बड़ी पगड़ियां और बड़े शिमले देखे, मैं जानता हूं ये आदमी कौन है और मैं इसे गिरफ्तार करके रहूंगा। और ये मेरी हवेली है, किसी मजारे का घर नहीं, सोच समझ कर बात करो थानेदार, तुम्हारी लाश भी यहां नजर नहीं आएगी। ये कहकर ढिल्लो साहब ने दीवार में लगे एक स्विच को दबा दिया। चारों तरफ खौफनाक किस्म की सीटी बजने लगी और अभी उन्होंने उस स्विच पर से हाथ उठाया नहीं था कि 10 आदमी खौफनाक किस्म की टॉमी गने और स्टैन गने लेकर अलीजई को दरवाजे से उछाल कर परे फेंकते हुए बरामदे में आ गए। जमील अहमद ने यह सूरत हाल देखी तो वो घबरा गया। वो तो खैर हुई कि उसने पिस्तौल खोल में से खींच नहीं लिया था, वरना मैं अपने कोट की जेब में रखे कमानीदार चाकू को अंदर ही अंदर खोलकर हाथ में ले चुका था। क्या ख्याल है फिर, अपनी जिद से बाज नहीं आएंगे आप? ढिल्लो साहब ने बड़े ही गंभीर लहजे में कहा। रुस्तम खान और उसके साथ खड़े सिपाही का रंग भी फक हो गया था। जमील अहमद बहरहाल अपनी जगह डटकर बैठा रहा। बरामदे में खड़े वो मुसल्ला आदमी उन लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ थे जो मैंने वहां इधर उधर फिरते देखे थे। वो सबके सब एक ही तरह के स्याह लिबास पहने थे, कुर्ते और शलवारें, उनके चप्पल भी स्याह थे और उन्होंने सरों पर जो स्याह पगड़ियां बांध रखी थी उनके लड़ उन्होंने इस तरह मुंह पर बांध रखे थे कि उनकी सिर्फ आंखें ही नजर आती थीं, जो इतनी खौफनाक और बर्मे की तरह अंदर धंसती हुई नजर आती थी कि मैं समझा कि वो अभी वहां लाशें डाल देंगे। उन सबकी आंखों में खून उतरा हुआ था। वो ढिल्लो साहब के किसी खास खुफिया मुसल्ला दस्ते के आदमी थे जिनको किसी ऐसी हंगामी हालत में बाहर बुलाया जाता था और मुझे नहीं मालूम था कि वो हवेली के किस हिस्से में रिहाइश पजीर थे। ठीक है ढिल्लो साहब, अब आप ऐसे सरकर्दा लोग कानून को यूं मजाक बना लेंगे तो फिर बाकी क्या रह जाता है? जमील अहमद का लहजा शिकस्त खोता था। मैं आपसे हर कस्म के तावुन के लिए तैयार हूँ, मेरे चार आदमी पकड़ कर ले जाए, मगर मैं अपने मेहमान को आपके हवाले नहीं कर सकता। आप अपनी कागजी कार्रवाई मुकम्मल करें, मैं दस्तखत कर देता हूँ। उनकी बात सुनकर जमील अहमद ने रुस्तम खान से कहा कि वो कागजात तैयार कर दें। रुस्तम ने कागज़ कलम की फरमाइश की और फिर वो वाकई की तफसीलात लिखने बैठ गए। इस अरसे में वो 10 आदमी टुकड़ियों की सूरत में सामने सहन में जमकर खड़े रहे।
उनके तेवर बता रहे थे कि वो ढिल्लो साहब के जरा से इशारे पर अपने सामने की हर शह तबाह कर देंगे। मैंने उन जैसी खौफनाक सूरतों के लोग जिंदगी में बहुत कम देखे हैं। रुस्तम खान एक तरफ एक छोटी सी मेज के सामने बैठा कार्रवाई कलमबंद कर रहा था और ढिल्लो साहब तनकर जमील अहमद के साथ बैठे थे। जमील के चेहरे पर अजीब सी तंज भरी मुस्कुराहट उभर आई थी। वो रह रहकर मुझे यूं देखता जैसे कोई शिकारी अपनी बंदूक के जद में आए शिकार को देखता है। उससे रहा ना गया। ये कब से ठहरे हैं आपके मेहमान? मैं इनके बारे में आपसे कोई बात नहीं कर सकता। इनका एहसान यह है कि मैं इस वक्त जिंदा सलामत आपके सामने बैठा हूं। बजा फरमाया आपने, वाकई ये बड़े कमाल के आदमी है। इनके किस्से तो मैं पहले भी बहुत सुन चुका हूं। क्या मतलब है आपका, कहना क्या चाहते हैं आप? मैंने पहचान गया हूं ढिल्लो साहब, मेरा मुंह ना खुलवाएं। मैं ना आपसे डरता हूँ ना आपके इन मसल्ला आदमियों से। मैं बहरहाल अपने फ़र्ज को अहमियत देता हूँ। बहुत देखे मैंने आप जैसे फर्ज शनास। ओए अली सही, इधर तो आ। उनकी ये बात सुनते ही पठान पहरेदार राइफल लिए अंदर आ गया। हाशिम साहब आप इसके साथ जाएं और देखो इनको उधर दूसरे मेहमान खाने में बैठा दे। आप जाएं हाशिम साहब। ढिल्लो साहब की ये बात सुनते ही जमील अहमद ने शिकरे किसी तेजी से पिस्तौल निकालकर मेरे सीने से लगा दिया। ये यहां से कहीं नहीं जाएगा ढिल्लो साहब, ये गुलाम जिलानी अब कहीं नहीं जा सकता। अगर आपके किसी आदमी ने कोई हरकत की तो मैं इसे यहीं गोली मार दूंगा। मैं तो सुन होकर रह गया। उस पुलिस वाले ने हमें चकरा के रख दिया था। अभी तो मैं और ढिल्लो साहब समझ रहे थे कि वो राह रास्त पर आ गया है, मगर उसने हमारे सारे अंदाजे गलत साबित कर दिए। रुस्तम खान ने कागज छोड़कर राइफल संभाल ली थी और उसकी नाल करो ढिल्लो साहब की तरफ था। दूसरे सिपाही ने भी कमरे के कोने में जमकर राइफल का रुख हमारी तरफ फेर लिया था। ढिल्लो साहब का रंग मैंने पहली बार उड़ते देखा। उनकी बेबसी दीदनी थी। बाहर खड़े ढिल्लो साहब के मुसल्ला आदमी सूरत हाल को समझकर तेजी से बरामदे के सुतूनों की आड़ लेकर अपनी टॉमी गने हमारी सिमत फेर कर चौकस खड़े हो गए। तुम क्या करना चाहते हो जमील अहमद खान? मैं इसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। इस गुलाम जिलानी को तो मुद्दतों से ढूंढ रहे थे। ये हमारे लिए जिंदगी और मौत का सवाल बन चुका था। मैं इसे साथ लेकर जा रहा हूँ। उठो जिलानी, अब तुम किसी और को बेवकूफ़ नहीं बना सकोगे। ये कहकर उसने पिस्तौल की नाल कुछ और ज़्यादा गहराई में मेरे सीने में धंसा दी और इतनी आगे दबा दी कि मुझे अपनी पसलियों पर बोझ महसूस होने लगा। ज़रा से अंदाजे की गलती से वहाँ हर तरफ खून ही खून बिखर सकता था। उन तीनों पुलिस वालों से निपटना ढिल्लो साहब के लिए कुछ भी मुश्किल ना था, मगर पिस्तौल की नाल जो मेरे सीने पर आन ठहरी थी तो उन्हें यकीन था कि मेरे दिल और जमील अहमद की गोली के दरमियान बस चंद इंच का फासला बाकी रह गया है, और यही वजह है कि वो कोई ख़तरा मोल लेने को तैयार नहीं थे। अपने नातियों से कहो कि वो चले जाएं यहाँ से, वरना मेरे लिए अपने फ़र्ज पर मर मिटना कुछ भी मुश्किल नहीं होगा ढिल्लो साहब। चलो उठो बाज बहादुर खान, मैं देखता हूँ तो कितने पानी में है। ये कहकर उसने पिस्तौल की नाल ऐन मेरे दिल के ऊपर रख दी। उसका यह तौहीन आमेज रवैया देखकर मेरा दिमाग उलट गया और मैं कुर्सी से उठ बैठा। यूं के उठते हुए मैंने दायां हाथ तेजी से कंबल समेत जमील अहमद के पिस्तौल पे दे मारा और उसकी कलाई पकड़कर कुछ इस तरह झटका दिया कि उसकी हड्डी तड़ाक से टूट गई। एक भयानक चीख उसके मुंह से निकली और वो बाएं हाथ से अपनी झूलती कलाई पकड़कर वहीं दोजानों हो गया। उस जरा सी मोहनत का फायदा उठाते हुए ढिल्लो साहब के आदमी अंदर आ गए और उन्होंने रुस्तम खान और उसके साथी से राइफलें छीन ली। जमील अहमद की चीख ने उन्हें खौफ से मुंजमद कर दिया था। वो ये फैसला ही नहीं कर पाए थे कि उन्हें क्या करना है। उनकी मुश्किल ये होती है जब तक उन्हें हुक्म ना मिले, ना उनसे बंदूक की लबलबी दबती है, ना वो चंद कदम आगे हरकत कर सकते हैं। इनको दूसरे कमरे में बंद कर दो, ढिल्लो साहब ने अपने मुसल्ला आदमी को हुक्म दिया। फिर उन्होंने जमील अहमद खान का जमीन पर पड़ा पिस्तौल उठाकर उसमें से तमाम गोलियां निकाल दी। उन गोलियों को हथेली पर रखकर वो मुस्कुराते हुए मेरी तरफ बढ़े। इनमें से कोई गोली भी आपके लिए नहीं बनी हाशिम साहब। उनका चेहरा इतनी सारी जहनी अजियत सहने के बाद फिर से मामूल पर आ गया था। कोई ना कोई गोली मेरे लिए बहरहाल बनी होगी ढिल्लो साहब। ओ नहीं नहीं, मुझे यकीन है कि ऐसा नहीं होगा, मगर मुझे हैरत यह है कि आपने उसकी कलाई कैसे दुखन कर दी। मुझे सख्त हाथ डालना पड़ा, यह हद से बढ़ गया था ढिल्लो साहब। बहरहाल मैं आपकी इस मोहब्बत के लिए शुक्रगुजार हूँ आपका। मुझे यहाँ 10 आदमी भी मारने पड़ते ना तो मैं आपकी खातिर मार देता हाशिम खान। ये आप जानते नहीं कि आपकी जान मेरे लिए कितनी कीमती है। ये आपकी नवाजिश है, इसका इलाज करवाएं। ये लंबे चक्कर में पड़ गया है जमील अहमद खान, इससे तो अब मैं निमट लूँगा। ये कहकर उन्होंने जमील अहमद को अपने आदमियों के जरिए वहाँ से उठवा दिया। फिर उनके हथियार अली जई को देकर बोले, इनको संभाल कर असलहे खाने में रखवा दे और देख इनका ख्याल रख,
मैं ज़रा एक काम कराऊं। मुझे यहाँ कब तक ठहरना होगा? मैं एक ज़रूरी काम से इधर आया था। मैं बस आधे घंटे तक आ जाऊँगा। मेरा मुलाजिम आपको खाना ला कर देता है, इंतज़ार करें मेरा। ये कहकर वो तेज़ी से बाहर निकल गए। मैं चाहता था कि उनसे आसिया के बारे में बात करूँ, उनको बताऊँ कि आसिया फिर बगुलों की जद में है। मैं कितनी ही देर तक ढिल्लो साहब के मेहमान खाने में पड़ा अपने आप से उलझता रहा। फिर ढिल्लो साहब की जगह शफी गनमैन अंदर आकर बोला, साहब जी मैं खाने के लिए कहकर आया हूँ, बीबी लेकर आ रही होगी। सुना उधर बड़ा युद्ध हो गया। किसने बताया तुझे? नियाज अली ने बताया, वो जो ढिल्लो साहब के दस्ते का खास आदमी है। ठीक कहा उसने। तुम ये बताओ कि इस जीप में कौन कौन सवार थे जिन्होंने ढिल्लो साहब पर गोली चलाई थी? वो जी पलीद मलिक रहमत अली है ना, वो पीराबाद का नया गुंडा, उसने भेजा था उन्हें। मगर यार उसे तो मैंने ढिल्लो साहब के हवाले किया था, खुद पकड़ के लाया था मैं उसे। वो तो ठीक है जी, मगर चौथे रोज ढिल्लो साहब ने उसे उधर जंगल में छोड़ दिया था। वो मुकाबले पर खड़ा था ना, उसका तो पटरा हो गया, पर अब वो कमीनगी पे उतर आया है। तो ये बात है, कौन कौन था वहाँ जीप में? वो जो मर गए हैं ना, उनमें से एक का नाम शौकत है, दूसरे का लब्बा, वो ड्राइवर था, तीसरे का नाम हलीम है, वो जो चौथा था ना वो बागी है। शौकत के सिवा ये सब जन्नताबाद के रहने वाले हैं। वो कहाँ है? ये इधर है ना, चौनिया गांव के पास। और वो शौकत? उसका मुझे नहीं मालूम, बागी ने उसके बारे में कुछ नहीं बताया। इसका मतलब यह है कि लब्बा और शौकत मर चुके हैं? हाँ, बागी और हलीम जख्मी थे, ये सब बातें उन्होंने ही बताई हैं। अब कहाँ है वो? पुलिस उन सबको ले गई है। आशिक अली को भी? हाँ, साबिर और वली मोहम्मद भी अस्पताल जा बैठे। क्या उनके जख्म ज़्यादा गहरे हैं? नहीं, वो बच जाएंगे, ये चारों बच जाएंगे। पर आप ये बताएं, क्या उस थानेदार का बाजू आपने तोड़ा था? हाँ, मुझे मजबूरन उस पर हाथ उठाना पड़ा। पहचान गया होगा वो आपको? हाँ, इसी वजह से। अब क्या हाल है उसका? ढिल्लो साहब ने उनको राजी कर लिया है, 10,000 रुपया देकर उनका मुंह बंद कर दिया है, तीनों का। बहुत अकड़ता था वो जमील अहमद। वो तो अब भी अकड़ा हुआ है जी, उसने तो एक पाई नहीं ली, मगर सुना है कि ढिल्लो साहब उसका तबादला करवा रहे हैं उधर भक्कर की तरफ, वहाँ बैठ के रेत फाका करेगा वो। ये काम कैसे कर लिया ढिल्लो साहब ने? ओ लो जी, ये कौन सी मुश्किल गल है, वो तहसीलदार और डीसी तक सबको चलता कर देते हैं, क्या कुछ नहीं है इनके हाथ में? पर यार वो आदमी फिर भी खतरनाक साबित हो सकता है। वो ज़्यादा गड़बड़ करेगा तो उसे नौकरी से निकलवा देंगे, ये तो उनके बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, उधर जो सिपाही बंद थे वो शायद चले गए हैं? उन्हीं की तो बात कर रहा हूँ, वो 10,000 लेकर निकल गए, ये फेरा तो उनके लिए फ़ायदे में रहा। ढिल्लो साहब कहाँ है अब? वो अपने दोस्तों के साथ बाहर बैठे खाना खा रहे, कुछ ही देर बाद वो आपके पास आएंगे। ठीक है, तुम भी ज़रा खाना भिजवा दो। अभी मैं ये बात कर ही रहा था कि एक औरत बड़ा सा तश्त उठाए अंदर आ गई। वो मेरे लिए खाना लेकर आई थी। शफी ने बड़े अदब से वो खाना मेरे आगे रखा और फिर खुद एक तरफ होकर खड़ा हो गया। मैं खाना खा रहा था कि वो बोला, हाशिम साहब आपको देखकर मुझे जंगल के बादशाह का ख्याल आता है, बड़ा दिल दिया है खुदा ने आपको, आप जैसा जीदार जवान मैंने ज़िंदगी में आज तक नहीं देखा। कहाँ यार, मैं चूहे मारा आदमी भला क्या कर सकता हूँ? नहीं साहब जी, आप फेर ना खोलते ना, बस अंदाजे की ज़रा सी गलती कर जाते तो ये महल तो तबाह हो गया था जी, कुछ भी ना बचता, ना हम, ना ये मर्दान खाना, ना वो जनान खाना, उल्लू बोल जाते यहाँ। ढिल्लो साहब अकेले वारिस हैं जागीर के, उनका कोई बेटा नहीं है? अभी तक तो एक ही बेटा है उनका। ये इतनी सारी बीबियाँ भी कोई करतब नहीं दिखाती, बड़े पापड़ बेलते हैं ढिल्लो साहब, पर वो रेल पेल नहीं होती। मैं हंस पड़ा। वो खलूस का बंदा ढिल्लो साहब का जहनी तौर पर भी गुलाम हो चुका था और उनका नाम लेकर जीता था। थोड़ी देर बाद वो खाने के बर्तन उठवाकर बाहर निकल गया।